सरकार के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस की ओर से रविवार को पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिस दौरान पालक मंत्री नितिन राउत उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर अपना निषेध जताया और कहा कि मोदी सरकार के ये 7 साल उनकी असफलता को दर्शाते हैं। बीते 7 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में है, ये देश की दृष्टि से एक हानिकारक चीज सिद्ध हुई है, ऐसा रविवार को आयोजित पत्रकार परिषद में कहा गया। इस दौरान पालक मंत्री नितिन राउत उपस्थित थे, जिस वक्त उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस वक्त जो भी घोषणाएं की है वो सभी फेल हुई है, वो जनता को कहीं भी न्याय नहीं दे सके है। भारतीय जनता पार्टी की उसे 7 बरस पूरे हो चुके हैं और 7 बरस में मोदी जी ने जितने भी घोषणाएं यहाँ पर की, चाहे वो नोटबंदी की हो, चाहे GST की हो, चाहे किसानों की हो, चाहे मजदूरों की हो, वो सभी बातों में वहाँ पर फेल हो गए हैं, कहीं भी न्याय नहीं दे सके हैं। संसद को, उच्चतम न्यायालय हो या आपकी CBI हो, ED हो, ये संस्थाओं का दुरुपयोग उन्होंने करके संविधान को भी नकारने का काम उनकी सरकार में हुआ है। और इन तमाम बातों का कि पिछले 7 साल में, 7 साल पहले देश किस तरह खड़ा था और आज देश कहाँ खड़ा है, इन बातों को लेकर आज हमने यहाँ आंदोलन किया। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के वक्त, आगे उन्होंने कहा कि सभी संवैधानिक संस्थानों का उन्होंने उपयोग कर संविधान को नकारने का काम किया है। क्रूड ऑयल के दाम बहुत बढ़ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने नहीं दिए और उसको रोक रखा। जब दाम कम हुए, ऐसे वक्त भी मनमोहन सिंह जी ने राहत देने की भी कोशिश की, लेकिन यहाँ पर तो आज पेट्रोल डीजल के भाव भी बड़े तेजी से 100 रुपया पार कर चले हैं। ये परिस्थितियाँ जो आई है, और जब कोरोना की दूसरी लहर इस देश के अंदर आई, उस लहर का किसी भी प्रकार से नियोजन नहीं था और उस लहर के दरमियान ही वे चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे और यहाँ की जनता मृत्यु के ओर आगे बढ़ते गई और लाखों की संख्या में इस देश के लोग, यह उनका निधन हुआ है। मैं जितने भी कोरोना के दरमियान जो लोग मृत्युमुखी पड़े हैं, उन सबको यहाँ पर आदरांजलि देते हुए मोदी सरकार का यह 7 साल का कार्यकाल टोटली उनकी फेल्योरनेस बताता है, क्योंकि भारत का ना GDP बढ़ा है, ना पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, उसका मैं यहाँ निषेध करता हूँ। धन्यवाद। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल की तुलना की और कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना के कार्यकाल में भी उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई नियोजन नहीं किया है। इस वक्त उन्होंने सरकार के 7 साल के कार्यकाल मोदी का निषेध जताया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।